हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में ट्रक से टकराई कार। ट्रक से टकराते एक गाड़ी में लगी भीषण आग। खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही हुई मौत। चित्रकूट से दर्शन कर बांधवगढ़ जा रहे थे कार सवार। बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। राठ थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस का है पूरा मामला। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में ट्रक से टकराई कार। ट्रक से टकराते ही गाड़ी में लगी भीषण आग। कार सवार तीन लोगों की मौके पर हुई मौत। खबर हमीरपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। चित्रकूट से दर्शन कर माधवगढ़ जा रहे थे कार सवार। राठ थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस का है पूरा मामला। खबर हमीरपुर से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में ट्रक से टकराई कार। जहां ट्रक से टकराने ही गाड़ी में लगी भीषण आग। कार सवार तीन लोगों की मौके पर हुई मौत। चित्रकूट से दर्शन कर माधवगढ़ जा रहे थे कार सवार। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता सागर। सागर, भीषण सड़क हादसा हुआ है हमीरपुर में, जहां पर मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? यहाँ पर तीन जो लोग प्रयागराज से लौट रहे थे। इसमें से एक दोस्त है जितेंद्र, उसके उसका जो भाई है वो किसी छोटे से विवाद में जेल में बंद है, नैनी जेल में बंद है प्रयागराज पे। हर महीने उससे तारीख पे जाते थे, जो तारीख से वापस लौट रहे थे, तो वापस लौट के समय गाड़ियों की मदद से लगातार जो धुआं उठने लगा, फिर कार में अचानक से आग लग गई। और ये लोग इतने असफल हो पाए आग बुझाने में कि ये वहां से निकल भी नहीं पाए। और लगातार ये देखने को मिला कि जो हाईवे में बीच नेशनल हाईवे में आग, पूरा आग का जो कार है पूरा आग का गोला बन चुकी थी। और तीनों जो दोस्त थे वो धू धू कर उनकी आग उनकी कार जल रही थी। और साथ साथ हादसा इतना भयानक था कि उसके बाद से जो ग्रामीण है वो लोग आस पास जाने की भी जरूरत नहीं कर पाए, क्योंकि एक ग्रामीण का बयान भी सामने आया था। उसने कहा था कि आग इतनी भयावह स्थिति में है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीनों दोस्त थे वो वहां पे जल गए। और पुलिस वहां पे सूचने पर पहुंची। पुलिस से पहुंचने के बाद दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस ने उसके बाद आग बुझने के बाद कार के अंदर भीतर झांका तो कहीं ना कहीं जो तीनों शव थे वो शत प्रतिशत हालत में बुरी तरह से जल चुके थे। और उनके बड़ी ही मुश्किल से पुलिस ने उनके अवशेष बरामद किए हैं। उसके बाद से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उनकी बांसुरी में उनका शव रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नंदरी जो तीन जो मृतक मरे हैं जालौन के रहने वाले थे, और ये लोग प्रयागराज से लौट रहे थे, अपने भाई की तारीफ कर गए थे। अब सीएम योगी ने भी इस बुरी विभत्स घटना पर दुख जताया है, उनका भी एक शोक संवेदना व्यक्त की गई है ट्विटर के द्वारा। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा साबित हुआ है जालौन के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिसमें कार सवार एक परिवार भी जल चुका है, कई लोग मारे भी गए हैं। भीषण हादसा है, सड़क हादसा है, ठंड का समय है, कोहरे का समय, इस वजह से ये हादसे और भी बढ़ने के कयास लगाए जा सकते हैं। फिलहाल जो है जो तीनों अवशेषों को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। और जी बताया जा रहा है कि ट्रक से कार टकराई थी, तो क्या ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है? जिस तरीके से घायल हुए लोगों को अस्पताल में, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर अवशेष उनके नहीं मिले हैं, तो और क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है अभी तक? जी, शुरुआती तौर पर पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि जो गाड़ी थी I-20 थी, जो जिसमें तीन जो लोग सवार थे जिनकी मौत हो चुकी है, ये UP-32 थी, यानी लखनऊ की गाड़ी थी। उसके बाद जो ट्रक जो मार के भागा है जो तक, वो राजस्थान का ट्रक था। फिलहाल अब पुलिस पूरी CCTV फुटेज खंगाले में लगी है और ये जांच का विषय है कि इतनी बड़ी घटना हुई तो कैसे हुई। और जो हाईवे में नाइट पेट्रोलिंग पार्टीज घूमती है, सिक्योरिटी घूमती है,
वो उस समय कहाँ थी, सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है नंदिनी कि वो उस समय कहाँ थी, क्योंकि हर एक किलोमीटर के दायरे में इतना बड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है तो हर एक किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से सिक्योरिटीज रहती हैं, वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज रहती हैं, चाहे एक्सीडेंट को लेकर हो, चाहे आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया हो, हर चीज़ों के लिए अवेलेबल रहती है सिक्योरिटीज। लेकिन अब ये देखने वाला बात ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटीज मौजूद नहीं थी और इस वजह से कार का गेट सही समय पर ना खुलने की वजह से जो तीनों दोस्त की बहुत ही जघन्य तरीके से मौत हुई है और बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। कहा यह भी जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने इस पल को सहा होगा, क्योंकि वो तीनों कार के अंदर चल गए। कार के अंदर झांकने पर पुलिस के पहुंचने पर पुलिस ने ये भी पाया कि कार के अंदर जितने भी कलपुर्जे थे, जितनी भी मशीनें थी, वो अंदर हो चाहे बाहर हो, पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जल चुकी थी। तो जो उनकी हड्डियां तक उन्हें बरामद नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने एक अनुमान लगा के हड्डियां उठाई हैं और तीनों जो अवशेष है, तीन अवशेषों को तीनों जगह पैक करके पोस्टमार्टम मॉर्चरी के लिए भेजा है। उन्हें उनके जो अवशेषे हैं वो उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। खबर हमीरपुर से है जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में ट्रक से टकराई कार, ट्रक से टकराते ही गाड़ी में लगी भीषण आग। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।